तो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सीएस श्रीवास्तव ब्लॉग्स में। और ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम सेलिब्रेट करेंगे दिवाली। तो आप सभी को सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली। और आपको बता दें कि आज काफ़ी धमाल होने वाला है। तो गांव का जो माहौल है तो वहाँ पे जो है क्रैकर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा फोड़े जाते हैं और कीर्तन भजन जो भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है, कुबेर जी की भी पूजा हो जाती है इसमें। और चलिए फिर आपको दिखाते हैं यहाँ का माहौल और काफ़ी सारी चीज़ें, जो चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा तो आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगा। तो चलिए फिर बिना देर के शुरू करते हैं। तो दिखाते हैं आपको पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्रैकर जो अपने पास आया है, जैसा कि देख सकते हैं ये रहा क्रैकर्स। और जितने भी हैं वैसे तो ये जो ये क्रैकर्स आपने देखा है ये तो इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा हानिकारक होता है, लेकिन विलेज में इतना सब मैनेज हो जाता है। तो यही दिल्ली में अगर यही सब सारी चीज़ें होती तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती, तो यही सब सारी चीज़ें थी। तो चलिए फिर आपको लेके चलते हैं मार्केट में, अगर वहाँ पर दिखाते हैं आपको क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो यहीं से। फाइनली भी आपको दिखाता हूँ मैं जो दिवाली के समय जो घर बनाया जाता है काफ़ी बढ़िया सा होता है, तो अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए देखिए हमारे साथ हैं हमारे भतीजे प्रसन्न लाल, काफ़ी बढ़िया है। हेलो कर लो, हेलो हेलो करो, बाय करो बाय। ये देखिए ये बना हुआ है मिट्टी का घर, बहुत ही बढ़िया तरीके से और डेकोरेट किया गया है। तो अभी हम सुल्तानपुर के खुर्शीद क्लब मार्केट में हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये सब जो दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पे, और ये सब पटाखे की दुकानें हैं। और ये देखिए हमारे पीछे काफ़ी ज़्यादा हर तरफ जो है दुकानें लगी हुई हैं चारों तरफ, पीछे भी दिखा सकता हूँ आपको इधर देखिए। तो अगर आप यहाँ पे पटाखे सुल्तानपुर से हैं तो आप पटाखे यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आपको चल के घर दिखाता हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, तो चलिए दिखाता हूँ। सो दिवाली तो हो चुकी है कंप्लीट, और आपने जो भी सारी चीज़ें देखी वो काफ़ी मेहनत लगी सब बनाने में। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, लोगों में शेयर करिए, अगर कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।